नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो। मैं आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर डिस्कस करने आया हूँ। पिछले कई दिनों से पूरा विश्व इस कोरोना वायरस COVID-19 के चपेट में है और हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में दहशत में जी रहा है और इसका कोई इलाज भी नहीं है। ऐसे में हमें सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी रखनी पड़ेगी और सेफ्टी से ही हम खुद को बचाव कर सकते हैं या खुद का बचाव कर सकते हैं। सरकार का कदम सराहनीय है, सरकार हम लोगों के लिए खड़ी हुई है, सरकार ने पूरी जिम्मेदारी के साथ इस कोरोना वायरस के अगेंस्ट कैंपेन चलाया हुआ है और जैसा कि आज आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत में लॉकडाउन है। ऐसे में मुझे बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस हो रहा है कि मेरे खुद के मोहल्ले में मैं देख रहा हूँ लोग इधर उधर खड़े हुए हैं, ग्रुप में बातें कर रहे हैं और बच्चे खेल रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें समझाने की लेकिन मैं नाकामयाब रहा। तभी मैंने सोचा शायद कहीं ना कहीं ये कंडीशन सभी मोहल्ले में हो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी और एहतियात से ही हम कोरोना वायरस की जंग जीत सकते हैं। जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, कोई ना निकले रोड पे कोरोना का फुल फॉर्म। तो हमें कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेदारी के साथ एकजुट होके, एक साथ खड़े होके अपने घरों में रहना चाहिए और इस कोरोना वायरस को हराना चाहिए। क्योंकि मुझे बहुत दुख है, मैं रियली बहुत पेन में हूँ, तभी मैंने आज ये वीडियो बनाने का सोचा। क्योंकि जरा सोचिए, जो व्यक्ति कोरोना वायरस या COVID-19 के चपेट में आता है उसे आइसोलेट कर दिया जाता है, यानी ना तो उसके परिवार वाले उससे मिल सकते हैं, ना उसकी देखभाल कर सकते हैं, यहाँ तक कि जब उसकी मौत हो जाती है तो उसके का अंतिम संस्कार करने का भी मौका उन्हें नहीं मिलता है। जरा सोचिए, आपके परिवार का सदस्य और आपको अंतिम संस्कार करने का भी मौका ना मिले, सिर्फ और सिर्फ आपको ये बता दिया जाए कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। कितना पेनफुल है ये, हमें इसकी गंभीरता को समझना होगा और सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि सावधानी ही एकमात्र बचाव है। स्टे एट होम एंड सेव लाइव्स, स्टे होम सेव लाइव्स। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती कर रहा हूँ कि आप घर पे रहें। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, क्योंकि आपकी जान सिर्फ आपकी जान नहीं है। कोई शख्स कहने को एक शख्स है लेकिन वो अपनी दुनिया के लिए, अपने परिवार के लिए पूरी एक दुनिया है, पूरी दुनिया है। प्लीज़ देश के लिए एक साथ शपथ लीजिए कि हम घर में रहेंगे, बहुत ज़रूरी हुआ तो ही हम घरों से बाहर निकलेंगे और अपने साथ साथ अपने बच्चों, अपने परिवार वालों को भी समझाइए प्लीज़ वो घर में रहें, क्योंकि हमें जिंदगी मिली है और हमारा एक छोटा सा कदम बहुत कुछ बदल सकता है। तो प्लीज़ एक साथ घर पे रहें, वैल्यूएबल टाइम स्पेंड करें और इस कोरोना को हराएं। जय हिंद, जय भारत।